हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रुपेश ठाकुर प्रसाद कैलेंडर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ये आपका रुपेश ठाकुर प्रसाद कैलेंडर ऐप है जो कि 2020 का है कैलेंडर। तो इसे मैं ओपन करूँगा। ओपन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मेन स्क्रीन। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन का यूज देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी फंक्शन जो दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं कैलेंडर्स में है, मुहूर्त है और फेस्टिवल हो गया, राशिफल, दिशा, सूर्य, ग्रह, गोचर और अन्य फंक्शन दी गई है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको कैलेंडर ओपन करके दिखाऊँगा जो कि 2020 के नाम से दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी महीनों का पंचांग दिया गया है। जैसे कि जनवरी पे मैं क्लिक करूंगा तो जनवरी के क्लिक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन किस किस दिन क्या क्या है आप देख सकते हैं इसमें। और आगे मैं मुहूर्त पे क्लिक करूंगा तो आप मुहूर्त में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फंक्शन दिया गया है, जैसा कि विवाह, व्यापार, मुंडन, भूमि हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वाहन, संस्कार, जैसे आपकी मुहूर्त दिया गया जो कि आप इस मुहूर्त के अनुसार आप अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आगे उसके बाद आपका हो गया राशिफल। फेस्टिवल में आएंगे तो आप देख सकते हैं त्यौहार में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दिया गया इसमें, जो कि आप हिंदू का देख सकते हैं कि कौन कौन किस दिन क्या क्या है। और आगे मैं बताऊंगा कि आप राशिफल अपना आप नाम से राशिफल देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में, जो कि आप देख लीजिए मेष हो गया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, बहुत सारी इसमें सभी मतलब राशिफलों का दी गई है जानकारी जो कि आप देख सकते हैं। और दिशा सुलभ देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, जो कि ये नया एप्लीकेशन है रुपेश ठाकुर प्रसाद 2020 नाम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, वंदे मातरम।